हाउ आर यू, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज पढ़ते हैं वर्त सर्कल, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। चलते क्वेश्चन की ओर, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ये एक वर्त होता है। क्या होता है दोस्तों? ये वर्त है, ये वर्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। वर्त क्या होता है? कहना मतलब बिंदु का वह बिंदु पथ, बिंदु का वह बिंदु पथ जिससे सदैव दूरी क्या होती है? समान होती है। तो इसमें बात करते हैं, पहला पॉइंट वर्त की परिधि, अपन आयत वर्ग में क्या बोलते हैं भाई? परिमाप बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? उसमें क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं, जबकि इसमें क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि। तो ध्यान रखना, यहां से लेकर टोटल डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? वर्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? आपको पता होगा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे, मैं आपको ऐसा बताता हूं। ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, वर्त की परिधि होती है 2πr, 2πr। क्या होती है भाई? ओ मेरा यार, ओ मेरा प्यार, वर्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? 2πr। बाद में पढ़ते हैं वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, वर्त का जो क्षेत्र होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। बात करें अपने बाद में इसके, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वर्त की जो परिधि व क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो दोस्तों क्या होता है? इसे इसका मान, परिधि कितनी है भाई? 2πr बटे पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट जाएगा एक बार, तो ऊपर कितना बताओ? 2 अनुपात क्या होता है सदैव? 2 अनुपात r होता है। ध्यान रखना, दो वर्त ऊपर से में कितने अंदर का हो, दो वर्त की जो त्रिज्या है, त्रिज्या का अनुपात r1 अनुपात r2 बराबर दे रखा है, और आपको पूछे, और a1 अनुपात a2 पूछे, अर्थात क्या पूछ रहा है? वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया अगले ने क्वेश्चन में, और वर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो ध्यान रखना है a1 बटे a2। यहां से लिख लेंगे a1 बटे a2 बराबर पहले का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई? r1 बटे r2 का क्या लगाएंगे? होल स्क्वायर लगाएंगे। ये ध्यान रखना, आप ट्रिक बहुत बार क्वेश्चन आता है इसे। यदि अपन को परसेंट में क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछे, तो ध्यान इधर क्या है? स्क्वायर, इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो r1 बटे r2 बराबर हो जाएगा √a1 बटे a2 हो जाएगा। इस टाइप से अपन ज्ञात कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये अपने पास अर्धवर्त बनी, अर्धवर्त, अर्धवर्त की जो परिधि होती है दोस्तों, ध्यान रखना अपने पास, ये पूरा वर्त होता है। पूरा वर्त की परिधि कितनी होती है भाई? 2πr होती है। अर्धवर्त की बात करें तो अर्धवर्त की कितनी होगी भाई? इतनी होगी, नहीं होगी? अर्धवर्त की परिधि कितनी होगी भाई? इतनी होगी। तो कितना 2 का इसमें भाग देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आर ही बचेगी। लेकिन अर्धवर्त का संपूर्ण परिधि, संपूर्ण परिमाप, तो ध्यान रखना यहाँ से ये कितनी अपने पास आर है, ये भी कितनी आर, यहाँ से लेकर यहाँ वाले टोटल दूरी होगी डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी वर्त की परिधि कहलाई। तो अर्धवर्त की संपूर्ण परिमिति, परिधि बोल दो, संपूर्ण परिधि क्या होगी दोस्तों? ये कितनी होती है भाई? 2πr होती है, पाई आर। ये कितनी हो गई? 2r और जोड़ेंगे तो कितने हो गए? पाई आर प्लस कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अर्धवर्त की संपूर्ण परिधि कितनी होती है? पाई आर प्लस 2r होती है दोस्तों। अब ध्यान रखना अपने पास, अगले ने क्वेश्चन बोल दिया एक तिहाई वर्त, एक तिहाई वर्त की जो परिधि होती है, एक तिहाई वर्त की परिधि, या आपको बोल दिया एक चौथाई, चौथाई वर्त की परिधि, वर्त की परिधि, एक तिहाई वर्त की परिधि, एक चौथाई वर्त की परिधि, याद रखना आपको दोस्तों। एक तिहाई का मतलब क्या हुआ भाई? ये पूरा वर्त है, इसके तीन हिस्सा बनाया है। कितना हिस्सा बनाया है? तीन हिस्सा बन गए इस वर्त के। तो इस ध्यान रखना अपने पास, ये दो तिहाई है अपने पास, टोटल कितना होता है भाई? पाई आर, 2πr होती है। एक तिहाई का मतलब एक तीन का भाग दे देंगे, तो बाद में ये बन गई। यहाँ से ये दोनों दूरी बनेगी नहीं बनेगी? एक तिहाई बोले तो भी, तीन हिस्सा इसमें, ये वाली आर दूरी, आर दूरी, एक तिहाई वर्त की टोटल, टोटल कितनी हो जाएगी भाई?
टू पाई आर बटे तीन तो है प्लस, प्लस क्या जोड़ देंगे टू आर जोड़ देंगे, एक चौथाई बोले इसका मतलब टू पाई आर तो होती है, उसमें जब चार का भाग दिया जाता तो एक चौथाई आती है, प्लस टू आर हर कंडीशन में जुड़ेगा। इस टाइप से अपन बता सकते हैं। तो स्क्रीन शॉट ले लो, इस सूत्र की फॉर्मूले हैं जितने सबकी स्क्रीन शॉट ले लो। चलते क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को छुट्टी के अंदर हल करते हैं। एक वर्त की त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब दोस्तों आर का मान दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर है। उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, आपको पता है वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान तो दोस्तों जानते हो आप क्या होता है भाई, 22/7 होता है। कितना होता है 22/7, आर का मान कितना दिया अपन को 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, इससे गुणा करेंगे तो कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसका आंसर आ गया। एक वर्त की त्रिज्या 14 मीटर है तो उस वर्त की परिधि क्या है, तो वर्त की परिधि क्या होती है भाई, परिधि क्या होती है, वो मेरा यार वो मेरा प्यार, वर्त की परिधि क्या होती है दोस्तों 2π r। दो लिख लिया, 22/7 हो गया पाई का मान, आर का मान कितना हो गया अपने पास 14, ये कितने बार, दो बार, 22 × 44, 44 × 2 कितना आ गया 88 मीटर आंसर आ गए। क्लियर है दोस्तों। ये देखो अपने पास तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्त की त्रिज्या 21 मीटर है तो उस अर्धवर्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवर्त का क्या होता है भाई, पाई आर प्लस कितना होता है दोस्तों 2r, अभी जस्ट बताया था आपको, तो कितना हो गया भाई 22/7, r का मान कितना हो गया भाई 21, प्लस ये कितना होगा भाई 2 × 2 लिख दिया, आर का मान कितना 21 × 21, ये कितनी बार कटा 3 बार, 22 × 66 प्लस 21 × 42 कितना होगा भाई, 21 × 2 कितना हो जाएंगे 42 हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 8, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 10, तो 108 मीटर इसकी क्या आ गई, अर्धवर्त का परिमाप आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो देखो दोस्तों दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्या है, किसी वर्त की परिधि 132 है, किसी वर्त की परिधि 132 है तो उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो दोस्तों अपने पास क्या है, 2π जो r है वो r कितना अपने पास है 2π r, वो कितना अपने पास 132 है, अर्थात r बराबर कितना हो जाएगा 132 बटे कितना होगा 2π, पाई का मान रख देता हूँ मैं, कितना होगा भाई 22/7, 7 ऊपर जाएगा तो कितना होगा भाई 132 × 7 आ जाएगा, और 2 × कितना आ गया 22, ये 22 कितनी बार गया 6 बार, 6 को इसे काटेंगे कितनी बार 3 बार, 7 × 21 कितना आ गया भाई 21, वर्त की त्रिज्या कितनी अपने पास है 21, तो क्षेत्रफल पूछा है इसका, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया भाई अपने पास पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 21 का त्रिज्या मान कितना है 21 गुणा में कितना हो गया भाई 21, ये कितनी बार 3 बार, 22 × 66 × 21, तो ध्यान रखना अपने पास इसको 66 × करना है, कितना हो गया भाई इसको इससे गुणा करेंगे 132 आएगा, 132 प्लस कितना हो जाएगा भाई, एवरेज कर देंगे गुणा इसको, तो 66 जोड़ेंगे तो कितना हो गया भाई 8, 9, 1, 198 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 00 लगेगा नहीं लगेगा, जैसे मान लो इसको पूरा गुणा करके देखते हैं अपन, तो अपन को 66 को 21 से गुणा करना है तो अपने पास कितना आ जाएगा 21, 66 को 21 से गुणा है तो करना है, गुणा करो इसको तो अपने पास देखो गुणा किया तो इसको कितना आ गया 66, इसका लगाया तो 132 जोड़ेंगे कितना हो गया भाई 6, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया भाई, तो कितना आ गया अपने पास 1386 मीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका क्षेत्रफल आ गया। इस टाइप से अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक वर्त की क्षेत्रफल, एक वर्त का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है तो उस वर्त की परिधि का मान क्या होगा, तो ध्यान रखना तो पाई जो आर स्क्वायर है उसका मान दिया 154, अर्थात आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 154, आर स्क्वायर का मान है ना 154/22 कितना जाएगा 7, 7 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो 154 गुणा में क्या आ गया 7/ कितना आ जाएगा 22 को इससे काटेंगे तो कितने 7 बार, 7 को इससे गुणा करेंगे कितना हो गई 49, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49, कितना आ गया 49, तो आर बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास 49 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 7।
आर का मान कितना आ गया अपने पास 7, अर्थात त्रिज्या कितनी आ चुकी है अपने पास 7। क्या पूछा है इसमें, उस वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होती है भाई 2πr, अर्थात क्या 2 गुणा में 22 बटे 7 गुणा में कितना हो गया भाई, त्रिज्या का मान कितना है 7, 7 से 7 कटेगा 22 गुणा कितना हो गया 44, 44 क्या आ जाएगा मीटर, इसकी क्या आ जाएगी परिधि का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि परिधि 154 मीटर है। तो यहां से आप पहले क्या निकालेंगे दोस्तों, आप आर निकालना, आर निकालने के बाद में क्या करना आपको इसका क्षेत्रफल याद कर लेना, यह क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों अपने पास वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल आधारित क्वेश्चन होते हैं, चुटकी में धारण करते हैं इसकी ट्रिक। देखो दो वृत्त की त्रिज्या, यानी एक वृत्त है ये, एक वृत्त है ये, दो वृत्त है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है, इसके अलग है और इसके अलग त्रिज्या अलग अलग ही हो सकते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है यानी आर वन बटे आर टू का जो मान है 11/9 है, या क्या मान सकते हैं भाई आर वन अनुपात आर टू 11/9 है, उन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ए वन बटे ए टू, ट्री बताया था जस्ट पीछे अभी, जस्ट क्या होता है भाई आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा भाई आर वन कितना है 11/9 का होल स्क्वायर, अर्थात 11 कितना हो जाएगा 121, अनुपात 9 का कितना आ जाएगा 81, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया भाई 121 अनुपात 81 हो जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा यदि क्षेत्रफल का अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए वन बटे ए टू का मान पूछा है, पहला क्षेत्रफल दूसरा क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्याओं का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया क्वेश्चन में, और त्रिज्या आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर बराबर ही होता है, इधर आप रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगी भाई त्रिज्याओं का अनुपात आएगा नहीं आएगा, तो आपको बता रखा है आर वन बटे आर टू बराबर क्या हो जाएगा, पहला क्षेत्रफल कितना है 289, दूसरा कितना है 225, 289 का रूट क्या, स्क्वायर रूट क्या होता है भाई 17, इसका कितना होता है 15, अनुपात कितना क्या 17:15 आंसर आ गए हैं दोस्तों। ये दो क्वेश्चन आपके लिए गिफ्ट, इनको खोल के जरूर देखना है। दो वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा यदि क्षेत्रफल का अनुपात इतना दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है दो वर्त का क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा यदि त्रिज्याओं का अनुपात 7:12, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जरूर बताना। ओके थैंक्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।